Last year, I spoke to Neeraj Chopra after he had won a historic gold for India at the Tokyo Olympics and had asked him about completing his personal set. Neeraj had told me late that night in Tokyo or in the early hours of that morning that he will try it at the World Championships in Eugene. Neeraj has successfully completed the set. He's put India on the map at these World Championships in Eugene, and I'm delighted that Neeraj has joined me. Neeraj, bahut bahut shukriya aapka aur bahut bahut congratulations. Kyunki pichli baar aapne jeeta hai Commonwealth ho ya Asian Games ya Olympics, main hamesha aapke saath juda hua hu. Thankfully, aapne ye ek silsila hamare saath kayam rakha. Kitna important hai India ka naam dekhna us medal tally pe? Kyunki expectations aapse thi, but to be on the podium is something very rare for an Indian athlete. हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले सभी को थैंक यू, और सबसे जरूरी था कि हाँ पोडियम पे होना सबसे जरूरी था क्योंकि काफी साल हो गए थे और अंजू बॉबी जॉर्ज जी ने जीता था उसके बाद, फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स में काफी जरूरी था और अच्छा लगा कि भाई हाँ यहाँ पे मेडल जीता. और अच्छी बात यह कि हमारे पास अगले साल फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप है क्योंकि वो पिछले साल होनी थी तो टोक्यो की वजह से वो पोस्टपोन कर दी क्योंकि काफी बड़े इवेंट दोनों शायद वो कर नहीं पाए, तो इसलिए अगले साल है पर कोशिश करेंगे कि और अच्छा करेंगे वहां पे. और सबसे अच्छी बात है कि अपना ओवरऑल काफी अच्छा रहा, काफी फाइनल में गए, फाइनलिस्ट बने और अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो ये काफी अच्छी बात रही अपनी इंडियन एथलेटिक्स के लिए इस बार. जी, मैं एक फोटो देख रहा था मेडल सेरेमनी के बाद, आप अपना मेडल देख रहे थे और आपने देखा कि ये क्या ओलंपिक देख लिया, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, वो आप हमें दिखा सकते हैं कि? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ये इस बार ये नाम लिखा हुआ है मेडल पे, इसमें नाम है और इवेंट है और कंट्री है. वाव वाव. बट नीरज, ये मुझे बताइए इसको देखते हुए एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि मेडल आया और मेरा पर्सनल सेट कंप्लीट हुआ, या थोड़ा मलाल है कि आई कुड हैव आल्सो वन द गोल्ड? एज ए एथलीट आप इसको एज ए आपका रिलीफ है या एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी क्योंकि ये आपका पहला फाइनल है? 2017 में आप फाइनल नहीं पहुंच पाए थे, 19 में आप इंजर्ड. बिल्कुल सर, अगर एज एथलीट बताऊं तो मुझे लगता है कि हर सिचुएशन को स्वीकार करना चाहिए हमको, वो चाहे क्योंकि इतना टफ एक बार कंपटीशन हो गया था कि क्या बता, जब मेडल भी ना आए तो भी हमको स्वीकार करना ही पड़ता है क्योंकि और ऑप्शन होता नहीं है हमारे पास. पर हाँ, जो भी हासिल हुआ आज, जो भी मेडल मिला तो उसकी रिस्पेक्ट है. और बिल्कुल सर, हमेशा अपने रिजल्ट से खुश होना चाहिए और आगे अपना जो और अच्छा बेटर कर सकते हैं उसके लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए. तो बस ये रहेगा, जो भी रिजल्ट है सर उससे खुश है और जो भी हम सीख सकते थे आज तो कोशिश करेंगे उससे कुछ सीखें. और बिल्कुल ये कोशिश हमेशा रहेगी कि हाँ बिल्कुल कि गोल्ड गोल्ड जीतें, तो ये तो हमेशा रखना चाहिए कि हाँ गोल्ड जीतना है, तो ये स्पिरिट जरूरी है. नीरज, आपकी जो ह्यूमिलिटी है वो हमेशा सब कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट हम्बल चैंपियंस, बट आज आप ये खुद एडमिट करेंगे कि आज के दिन, क्योंकि कॉम्पिटिशन ये नहीं होता कि आपने पिछले बार क्या किया, उस दिन उस मोमेंट पे आपने क्या किया, ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि आज के दिन एंडरसन पीटर्स अनबीटेबल थे? जी बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ कि भाई इस मतलब जो भी कंडीशन थी, उसने 90 मीटर के 3 थ्रो लगाए 90 प्लस के, तो बहुत ही अच्छी थ्रो थी. तो बिल्कुल जो अच्छा कर रहा है उसको भी स्वीकार करना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है कि भाई कोई एथलीट मेहनत कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है. कुछ कंपटीशन में ऐसा है कि भाई एंडरसन पीटर्स कई बार वो उतना थ्रो नहीं कर पाते हैं, तो ये एथलीट है तो कई बार कोई आगे होता है, कई बार कोई आगे होता है, ये अप डाउन हमेशा चलता है. तो जो भी जीता है उसको उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको भी मतलब सभी का आका जीतने का, सभी ने मेहनत किया है तो वो दिन के ऊपर ही कौन क्या मेडल जीतता है. जी लेकिन एक सिचुएशन था, क्योंकि नीरज आई हैव सीन यू थ्रो बहुत साल से, आपके पहले 2-3 थ्रो सबसे आपके लिए ज्यादा एफर्ट लगते हैं, ये थोड़ा अलग कॉम्पिटिशन हो गया आपके लिए बिकॉज आपका पहला थ्रो 9 मार्क था और सेकेंड वाले पे सिर्फ 82 था, और आपको पता है कि 3 थ्रो के बाद कुछ एथलीट्स इस कंपटीशन से हट जाते हैं, आप डेंजर में भी थे, आप अपने आप को उस समय क्या कह रहे थे क्योंकि आपका जो प्लान ए था वो नहीं चला, तो आपने ऑन द स्पॉट क्या आपने स्ट्रेटजाइज किया, आपने अपने आप को क्या बोला, मोटिवेट रखा कि नहीं मैं आगे रहूंगा इस पे? मैं हमेशा बोलता हूं सर कि कंपटीशन के लास्ट तक हमको वो फोकस रखना चाहिए क्योंकि एथलेटिक्स है और हमको 6 चांस मिलते हैं, तो क्या पता कौन किस टाइम कितना अच्छा थ्रो कर दे या कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे दे. तो वो मेरा लास्ट तक था कि नहीं, जब तक मन में थी बात कि भाई नहीं और लगेगी, वो बिलीव होना जरूरी है खुद पे,
तो वो था कि हाँ कोई ना कोई थ्रो निकलेगी अच्छी, पर हाँ ये था कि भाई आइए एक एक सवाल का जवाब और मिल गया आज, क्योंकि अपने वहां पे मानते थे कि हाँ मैं पहले ही कुछ थ्रो में करता हूँ, तो अब ये भी है कि भाई ऐसी सिचुएशन में भी हमको हैंडल करना आना चाहिए कि भाई ऐसा कंपटीशन टफ था और मेडल पहली तीन थ्रो तक मेडल में भी नहीं थे, तो फिर कैसे कम बैक करना है, वो थोड़ा वो मेंटली हमको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहला बोला कि यू नो एक हर कॉम्पिटिशन से सीख मिलती है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि कभी भी आप हार मत मानो एंड कीप गोइंग। लाइक वी सॉ एंडरसन ने लास्ट थ्रो पे और एक्सटेंड कर दिया अपनी लीड, लेकिन जब आपने 86 थ्रो किया आपका जो थर्ड थ्रो था उससे कॉन्फिडेंस आया और आपको लगा कि आई हैव वन बिग थ्रो लेफ्ट इन मी, क्योंकि जैवलिन जो आप देखते हैं बाकी जितने भी सारे एथलीट्स थे मोस्टली थर्ड या फोर्थ थ्रो के बाद उनकी परफॉर्मेंस डिप करते क्योंकि इतना एफर्ट लगता है, बट यू केम अप विद अ बिग थ्रो ऑन दैट फोर्थ थ्रो जो आपको फिफ्थ से मेडल पोजिशन में ले गया सेकेंड पे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मन में तो ये था ही, क्योंकि वो जो हमने थ्रो ऑलरेडी की हुई है तो वो तो मन में रहते हैं कि हाँ इतनी तो हम करेंगे ही, पर जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हर दिन डिफरेंट होता है, तो फिर भी मैं अच्छा मानता हूँ कि मैं कर पाया अच्छा और मैं मेडल में आ पाया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्या पता मेडल भी ना आए या उससे 86 से ज्यादा मेरी थ्रो ना लगती, वो भी हो सकता था, लेकिन फिर भी भाई कोशिश की और जैसा कि एफर्ट लगाया 88-13 थ्रो और सिल्वर मेडल जीता, तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई हाँ इतना मतलब उस थ्रो से कम बैक करके पोजीशन पे आया और पोडियम पे हम खड़े हुए, तो ये भी एक अच्छी बात है और ये अच्छा है कि हाँ कोई भी मेडल हो वो उसकी रिस्पेक्ट है और अपने देश के लिए तो बहुत अच्छी बात है इतने साल बाद दोबारा से एथलेटिक्स में मेडल आया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। जी मुझे एक सवाल, एक आपका जब कंपटीशन देख रहा था मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी नीरज, आपका जो लास्ट थ्रो था आपने पूरी जान लगाई बट वो जैवलिन उतना डिस्टेंस नहीं गया था एक्सपेक्ट करे थे, यू टर्न एंड यू बीट द ट्रैक, थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन के थी, वो जानना चाहता हूँ कि उसके क्या मन में चल रहा था आपके, क्योंकि आप ओलंपिक चैंपियन है, जाहिर है कि लोग एक्सपेक्ट बहुत करते हैं बट एक एथलीट की खुद से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उस समय आप क्या सोच रहे थे कि इस बार निकल गया अगली बार आऊंगा एक साल बाद? नहीं उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था सर, पर उस टाइम के लिए जो हमारे मन में होता है उस टाइम के लिए जो था वो वही था कि भाई हाँ आज मुझे अपना 100% देना है, पर हाँ कई बार नहीं हो पाता भाई कई बार, और मेरा थोड़ा सा मतलब मैं बताना चाहूंगा कि चौथी थ्रो के बाद थोड़ा सा ग्रोइन में भी ऐसे थोड़ा मुझे लग रहा टाइटनेस सी, तो वो 100% एफर्ट जो लगाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं रह गया, और बस वही उसी के लिए थोड़ा सा वो था कि भाई आज मौका था और का और अच्छा कर सकते थे मतलब थ्रो लगा सकता था लेकिन नहीं लगी फिर भी, तो वो थोड़ा सा है जोश रहता है लास्ट में, तो वो इसलिए थोड़ा लास्ट में वो कर दिया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था माइंड में, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि मैं ओलंपिक चैंपियन हूं तो मुझे ये भी जीतना था, तो वो ऐसा कुछ नहीं था माइंड में। नहीं बट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड हिस्ट्री सो दैट इज समथिंग व्हिच विल ऑलवेज रिमेन। फाइनल क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो नीरज, सीजन खत्म नहीं हुआ है आपके लिए, तो अभी एक हेक्टिक सीजन शुरू हो रहा है एक्चुअली, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं, पॉसिबली यू विल बी अप अगेंस्ट एंडरसन पीटर्स अगेन, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं इस बार उसमें, तो जब ये कॉम्पिटिशन इतने पास आते हैं तो कितना रिकवरी आपको मैनेज करना पड़ता है और कितना आपको फर्दर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आप कैसे अप्रोच करेंगे अगले 10 दिन? बस अभी तो कोशिश ही रहेगी कि पहले तो ये जो खेले हैं इसका रिकवरी हो अच्छे से, क्योंकि ट्रैवल भी होगा अभी, और फिर उसके बाद जो भी जो थोड़े बहुत हमको दिन मिलेंगे ट्रेनिंग के तो कोशिश करेंगे भाई दोबारा से अपना ट्रेनिंग करके अपना मेंटेन कर लें, क्योंकि अभी इम्प्रूवमेंट करने का कोई चेंज करने का तो टाइम है नहीं, अभी तो बस इसी को मेंटेन करके हमको वहाँ पे खेलना पड़ेगा, तो वही कोशिश रहेगी कि भाई वहाँ अच्छा मतलब मेंटेन करके वहाँ अच्छा खेलें। ओके रिकवर वेल, रेस्ट मुझे पता है यू हैव अ फ्लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरीथिंग्स बीन पैक्ड अप, अभी आपको डिनर भी काफी लेट हुआ, सो नीरज continue to break barriers, continue to push the boundaries, or as Abhinav Bindra once said, you've got to be imperfect, you've got to be perfect on an imperfect day to win the big medals. Aaj aapne ye dikhaya, ek power of comeback dikhaya, and we wish you the very best and congratulations once again. Aapne you made all of India wake up very early in the morning on a Sunday. So thank you, जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब इतना उन्होंने सुबह उठ के इवेंट देखा तो बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत बधाई आपको एंड टू योर एंटायर टीम एंड टू इंडियन एथलेटिक्स एंड टू इंडियन स्पोर्ट एज वेल, थैंक यू नीरज फॉर ज्वाइनिंग मी।